नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग तेलों के बारे में। जैसे हाल ही में एक दो केसेस में मैंने इस तेल का प्रयोग करवाया था, तो इसी को लेकर। और मैं ये चाहती हूँ कि कुछ अलग अलग जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, वैसे किसी का प्रमोशन ऐसा नहीं है, बट इसको थोड़ा रिवाइज करें। लाइक बड़ी बड़ी जो होटेकल है, केरला है, फार्मसीज है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, जिसके रिजल्ट्स या कितनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, और उसमें कैसे कैसे काम या कहाँ कहाँ पर उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इसको लेकर डिस्कस करें। ये मेरा एक विचार था। तो इसी क्रम में आज सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी हिम सागर तेल के बारे में। तो हिम सागर तेल का रेफरेंस आया है शिरशूल में, माइग्रेन में, और जहां पर वात का भयानक प्रचंड वात का प्रयोग। हमने एक पिछले ही सत्र में शूल व्याधि के अलग अलग नुकसों के बारे में, फॉर्मुलेशंस के बारे में मैंने बताया था, और उस समय पे भी शूल का मुख्य कारण वात ही है, ये हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इस हिम सागर तेल का निर्माण और इसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी को लेकर पहले मैं बताऊंगी। फिर हम लोग इसी क्रम में कुछ और भी अद्भुत तेल है उसका भी प्रयोग मैं बताऊंगी। तो हिम सागर तेल, जैसे इसका नाम आपको लाइक कुछ आइडिया देता है, हिम यानी शीत गुण, तो हिम सागर, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा लाइक एक माइंड को कूल करने वाला, मन को मोटिवेट करने वाला एंड ब्रेन हेल्थ को एनकरेज करने वाला ऐसा प्रोडक्ट है, जो कि नेचुरली आपके अस्थि धातु को एंड मज्जा धातु को सपोर्ट करता है। और इसीलिए यहाँ पर आज हम लोग इस हिम सागर तैलम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अत्रेय आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है और वो वहां पे मिल जाता है आपको इजीली। बट इसका रेफरेंस आयुर्वेद सार संग्रह में आया है, जहां पर इसको निर्माण करने की विधि बताई है। तो इसमें कंटेंट्स क्या है ये सबसे पहले मैं बताऊंगी। तो ये तेल बनता है शतावरी का रस, यानी यहाँ पर इसमें शतावरी है, शतावरी का रस हमें लेना है, और फिर विदारी कंद का रस इसमें, फिर पेठे का रस डालेंगे, पेठे का रस, आंवले का स्वरस का लेना है हमें, सेमर का स्वरस या काढ़ा बनाकर उसको लेना है, गोफरू का कषाय इसमें लेंगे हम लोग, गोफरू का कषाय, नारियल का जल, एंड ये सभी द्रव्य 128 तोला की मात्रा में, यहाँ पे जैसे संग्रह में तोला की मात्रा में ही है, इसमें मुर्चित तिल तेल लेना होगा 128 तोला, जैसे एक तोला यानी 10 ग्राम, तो उस प्रमाण में हम लोग इसको ये कर सकते हैं। केले की कंद का रस 128 तोला, गोदुग्ध पास 512 तोला, और लाल इसमें लाल चंदन, टगर, कुष्ठ, मंजिष्ठा, सरल काष्ठ, जटामांसी एंड मुलेठी, देवदारू, हरडा, फिर नलिका, शतावरी, लोध्र, नागरमोथा, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, कदरुकंद, लौंग, सौंफ, कचूर, श्वेत चंदन, ये प्रत्येक की एक एक तोला यानी 10-10 ग्राम की मात्रा में ये हमें लेना है। और फिर कपूर तो कल्क नहीं बना सकते, तो कपूर को छोड़ दीजिएगा, एंड बाकी सभी द्रव्यों का हम कल्क बना लेंगे, और सभी को एक साथ मिलाकर जो जो हमने इसमें रस लिए है, काढ़ा लिया है शतावरी का, विदारी कंद का, तो आप सभी अभी इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। देखिए शतावरी, विदारी कंद, ये तो निश्चित रूप से रसायन का काम करते हैं, आंवला भी रसायन का काम करेगा, गोखरू इसमें लिया है, गोखरू जो कि मूत्रल है, नारियल का जल लिया है, बाकी कुष्ठ, मंजिष्ठा, तगर, चंदन, ये कुछ रक्त धातु के ऊपर काम करने वाले द्रव्य हैं, कुछ इसमें कचूर, सौंफ वगैरह है, लौंग है, नागकेसर है, इलायची, तेज पत्ता है, जो थोड़े उष्ण, तीक्ष्ण, दीपन, पाचन कार्य करने वाले द्रव्य होंगे। तो इस प्रकार से मिला जुला कर इसका जो उपयोग है वात शमन के लिए ही करना है। तो इस सभी को हमने पकाना है, अच्छे से पका देंगे, तेल सिद्ध होने तक पका देंगे, और फिर पकने के बाद, उसको सिद्ध होने के बाद हम छान लेंगे, और लाइक वो छान लेने के पश्चात उसमें हमें कपूर मिलाना है। तो ये भेषज रत्नावली का रेफरेंस है, वायु विकारों में इसका बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है, इसीलिए वायु विकारों में निश्चित रूप से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसमें आचार्य क्या बताते हैं, इसका प्रयोग वायु वेग के कारण ऊपर से नीचे गिरे हाथी, घोड़ा, ऊंट, इनकी सवारी पर से गिरे हुए एवं ठेले की चोट खाए हुए मनुष्य के वात रोगों में अच्छा लाभ है। यानी देखिए इसमें क्लियर इंडिकेशन है इन द एक्सीडेंटल केसेस, यानी जहां पे आघात है, अभिघात है, प्रपतन है,
गिरना, मार लगना, जैसे वात प्रकृति के लोग बड़े चंचल होते हैं, एंड या फिर ऐसे भी होता है ना, मतलब कभी एक्सीडेंटली भी गिरना होता है आदमी का, तो इसी कारण से कभी भी कोई चोट लगती है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा वेदना होती है और कई सारे फिर आगे चल के वातविकार या अस्थि धातु की विकृतियां मिलती है। तो इन सभी में इसका प्रयोग निश्चित रूप से अभिघात आघात जन्य स्थितियां, कोई मार लगता है, मुक्का मार लगता है, पेन, बट क्या है? जैसे टेंडन या लिगामेंट इंजुरी होती है तो कई महीने तक पेन रहता है, पेशेंट काफी तकलीफ होती है। इन सभी के लिए दिस तेल शुड बी यूज्ड एक्सटर्नली ओनली, इसको केवल बाह्य रूप से ही इसको हमें लगाना है चोट खाए हुए आदमी को, जहां पर उसको दुखता है, पेन बोलता है, या कोई भी अभिघात हो, या जिसके कारण स्प्रेन या लाइक मोच आना वगैरह, कमर में लचकाना, या जैसे कोई भी गलत मनया स्तंभ है, कोई भी कारण से कटी स्तंभ है, मनया ग्रह है, यहाँ पे ग्रह स्तंभ सभी स्थितियों में आप इस तेल को थोड़ा गुनगुना करके लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा इस हिम सागर तेल का। इसके अतिरिक्त बाकी जो वात विकार है, जैसे पंगु है, एकांग शोष है, सर्वांग शोष है, यानी ये रसायन भी काम करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें विदारीकंद एंड शतावरी ऐसे द्रव्य है जो रसायन भी करेंगे, तो अतिरिक्त पंगु, एकांग शोष, सर्वांग शोष, उरक्षत, ये सभी धातु क्षजन विकार, क्षीण वीर्य, क्षय रोग, हनुस्तंभ, हनुस्तंभ भी प्योर वात विकार है, कृशता, श्रोत्र रोग, एंड फिर तुतला कर बोलना, जिनका बोलना क्लियर नहीं है, जैसे पार्किंसनिज्म या जो नर्वस सिस्टम के कुछ व्याधि होते हैं ना, उसमें पेशेंट का बोलना क्लियर नहीं होता है, वो आज बहुत ही थोड़े से ऐसे टाइप के विकार हमें ज्यादा मिल रहे सोसाइटी में, मेंटल डिसऑर्डर्स या लाइक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है, या जेनेटिकल फैक्टर के कारण भी, पार्किंसन जैसे, या जिसमें ये भी शुरुआती के दिनों में पेशेंट को कुछ हाथ पैर में कंप एंड उठाने में तकलीफ होती है, उसके साथ उसका बोलना भी तुतलाना हो जाता है, अस्पष्ट, मिनमिन, मूकत्व, गदगदत्व, ऐसे टाइप में, ऐसे व्याधि में और ऐसे पेशेंट्स में भी आप इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में, जैसे हम लोग अभ्यंग स्नेहन करवाते हैं ना, उसी प्रकार से इसको प्रयोग में लाना है। ये जैसे हीम सागर एक प्रकार से ये तेल रसायन धातु का पोषण भी करता है, तो एक प्रकार से ही थोड़ा शीत गुण वाला, यानी शीतता दिलाता, रिलैक्सेशन, तो जहां पर जलन भी है, दाह भी है, ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। क्षीणता और समस्त प्रकारों के वात रोगों से पीड़ित रुग्णों में इसका अत्यंत गुण मिलता है, विशेषतः शिरो रोग एंड शाखाशित रोगों को ये शीघ्र नष्ट करता है। यह तेल अत्यंत शीतवीर्य, अतः ज्वर वेग बढ़ जाने पर भी उसको शांत करने वाला है, इसीलिए इस तेल का प्रयोग उपयोग करना चाहिए, इससे तुरंत हमें लाभ मिलता है। सिर में लगाने से मस्तिष्क की खुश्की एंड उष्णता, आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं नवरत्न तेल एंड ये वो तेल, काफी सारे तेलों का बड़े बड़े स्टार लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बट मुझे लगता है ये हिम सागर जो तेल है इन सभी को मात कर देगा, बिकॉज ये वात्रिकारों के लिए कहीं ना कहीं रजोगुण तमोगुण बढ़ने से भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस, आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ता है, मोबाइल का अधिक उपयोग, इंटरनेट का प्रयोग, कंपटीशन, जेलसी, इन सभी के कारण मानसिक उद्वेग बहुत आता है, मतलब मन मन की शांति नहीं है लोगों में, मन का क्षोभ बड़ा दिखता है, इतने मतलब मन के उतावले होते लोग हैं, सब कुछ उनको चाहिए होता है और छोटी छोटी बातों में जो खुशी होती है उसको भी भूल जाते हैं और बड़े दुखी लगते हैं लोग आजकल, तो मतलब एक ओवरऑल जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए इसके चलते ये सारा बदलाव हमने लोगों में देखा है कि छोटी छोटी चीजों का टेंशन रहता है, कंपटीशन का, ईर्ष्या का, द्वेष का, एंड इसके चलते रजतम गुण की विकृति के साथ वात प्रकोप होगा, एंड फिर बहुत सारे मेरे विचार से मैंने जो भी देखती हूँ मैं जो भी, तो उसमें मुझे लगता है कि 50% जो पेन रहता है ना, शूल जो रहता है, इट इज रिलेटेड, इट इज लाइक साइकोजेनिक, साइकोसोमैटिक पेन ये होता है, यानी एक प्रकार से चिंता और तनाव के कारण ही ये पेन अधिक दिखता है। वहां पे कोई हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, एमआरआई रिपोर्ट, एक्सरे, कितने सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट में कुछ फाइंडिंग्स नहीं आती है, फिर भी पेशेंट हमेशा तनाव में रहता है कि मेरा पेट में दर्द है एंड मेरे इसमें दर्द है तो मैं क्या करूं। यही परेशानी मुझे लगता है उसका एक कारण है, उसके पेन का कारण है। तो ऐसे सभी केसेस में आप ब्रेन हेल्थ यानी रजतम गुण को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पेशेंट का माइंड रिलैक्स रखने के लिए हिम सागर तैलम का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे माइग्रेन और कई सारे तमाम सारे वात विकार यहाँ पर मैंने बताए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके का उपयोग इस वात विकारों में
मिल जाता है, तो आप इसको जरूर से जरूर यूज करें। और जैसे मैं इसको बता रही थी, इसकी कंपनी, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। और इस प्रकार से इसको आप हिम सागर तेल, जो आयुर्वेद सार संग्रह का रेफरेंस के रूप में बताया है, उसको आप यूज कर सकते हो। जो न्यूरोमस्कुलर डिसीजेस है उसमें इसका काफी अच्छा रोल मिल जाता है। तो इसको आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में ही यूज करें, इसको इंटरनल नहीं लेना है। इट इज बेनिफिशियल ओनली एक्सटर्नली। बिल्कुल रजतम गुण को कम कर कर ये सभी प्रकार के शूल और दाह जनित जो स्थितियां हैं इसको कम करता है। एंड खास करके शिरो रोगों में या ऊर्ध्वशत्रुगत विकारों में इसका आप पूरण या स्नेहन के रूप में उपयोग करें। हिम सागर तेल 3 से 5 मिनट तक आप इसको शिरा स्नेहन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। कर्णपूरण एवं शिरा स्नेहन, कर्णपूरण आजकल लोग करते नहीं है, बहुत ही मतलब एक प्रकार से इसको लेकर ये है लोगों में कि ये नहीं करना है, तो आजकल तो ये बंद ही हो गए जैसे सारे विकार जो है कर्णपूरण जैसे। तो इसमें आप इस हिम सागर तेल का जरूर प्रयोग करिएगा। इस प्रकार से ये कोटाकल एंड आदि सारे प्रोडक्ट्स इसके हैं, इसमें ये मिल जाता है। न्यूरोमस्कुलर एंड वात कंडीशन में इसका लाभ आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने हिम सागर तेल को लेकर सारी कुछ जो भी ये है इसको बता दिया है। आप इसको ऑयल मसाज एंड गार्गलिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने हनुस्तंभ का बताया था। हनुस्तंभ मन्यास्तंभ में क्या है ना कि लाइक ये तो एक प्रकार से वात प्योर ही वात है, तो इसमें गंडूष एंड कंवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहां पे आप इसको कर सकते हो। जहां पे फीवर के रुग्ण है वहां पे उसको शीतलता दिलाने के लिए पेशेंट अगर कंप्लेन करता हो कि दाह है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये आपको कूलिंग इफेक्ट देगा। तो आप पैरों में लगा सकते हो। जिन पेशेंट को दाह के कारण निद्रा नहीं आती है, तो इसमें भी शीत गुण की प्राप्ति के लिए पादाभ्यंग जो करते हैं, पादाभ्यंग काफी लाभदायी होता है निद्रा आने के लिए। तो पादाभ्यंग करने के लिए भी आप को लगा सकते हो। एंड फिर बाद में गर्म गुनगुने पानी से, कपड़े से आप इसको हटा देंगे, तो एक ये नहीं होगा। बस इसको आपको इंटरनली यूज नहीं करना है, इसको हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में ही यूज करेंगे। इस प्रकार से ये आर्य वैद्यशाला कोट्याकल एंड आर्य वैद्य फार्मेसी नागार्जुना सभी इसके मैन्युफैक्चरर्स है जिसको ये बनाती है कंपनियां। प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में थोड़ा केयरफुल रहेंगे। कोई एलर्जिक कंडीशन आपको मिलती है, जैसे आपने लगा दिया तो खुजली आ रही है, कोई फुंसी हो गई, फोड़े हो गए, तो आप वहां पे उसको हटा दीजिएगा, मत लगाइएगा। एंड ये भेषज रत्नावली का वातवादी का रेफरेंस है। इस प्रकार से मुझे लगता है मेरा एक प्रयास है कि जो हमारे क्लासिकल रेफरेंसेस हैं इसको हम लोग पुनः एक बार, आज इतनी सारी कंपनियां मार्केट में हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं ना, तो कई बार मुझे लगता है कि जो हमारी प्राचीन एक जो रेफरेंसेस है सभी भेषज रत्नावली अगर पढ़ने बैठे तो बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर वो एक संग्रह है जिसमें सारी कल्पों के बारे में बताया, और रोगाधिकार के रूप में, तो ये वात वैधि का रोगाधिकार है, तो हमें इसे भूलना नहीं है। इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि इसको एक बार फिर से हम उद्धृत करें, जो क्लासिकल रेफरेंसेस है जिसको कई सारी कंपनियां बनाती, ऐसे हमें लगता है, बट सी कि जैसे 3-4 कंपनियां तो इसको बनाती है, तो उसमें तो आप इसका प्रयोग जरूर कर सकते हो, आराम से इसको मंगवा भी सकते हो। तो इस प्रकार से ये मैंने आप अभी हिमसागर तेल के बारे में बताया, जो आप कर्णपूरण और गंडू शादी के लिए भी उपयोग में ला सकते हो। चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं एंड फिर आगे हम लोग दूसरा नेक्स्ट ये करेंगे। तो ये बर्निंग सेंसेशन और वात वैधि दोनों में आप यूज करें, जहां पे भी दाह जनित स्थितियां हो वहां पर भी, तो बिकॉज इट इज इसको तेल तेल में इन्फ्यूज किया गया है, और काफी सारे इसमें कपूर है, तो कपूर आप जानते हैं कि कपूर का कैसे काम होता है। तो कपूर जैसे सिंपल सिंपल छोटे छोटे इसमें भी हम लोग कपूर को यूज करते हैं। बताइए मैम। नमस्कार संपदा जी, कैसी है? रंजीत जी बताइए मैम। नमस्कार सभी को, हेमलता जी, माधुरी, डॉक्टर बोलिए, आपने किसी ने यूज किया है हिमसागर तेल को, डॉक्टर हेमलता? नो मैम, ओके। कर्पूर आदि को किया है मैम? कर्पूर आदि ऑयल को? मैम कौन सा तेल तेल कौन सा बोल रहे हैं हिम सागर का मैंने पढ़ाया था, आप? हिम अच्छा, सागर। क्या मैम किसमें रोग अधिकार है वो?
वात रोगाधिकार, वातरिकार का रोगाधिकार, वातरिकार। तो वातरिकार में सारे आते हैं ना, पूरे मतलब 80 प्रकार के, फिर इसमें शिरो रोग आएंगे और सारे उद्वजतुगत, कर्ण रोग, दंत रोग, मुख रोग भी आ सकते, कुछ कुछ है उसमें, सारे नहीं है, बट लाइक विश्वाची, बाहु, खनु स्तंभ, मन्या स्तंभ, मन्याग्रह, कर्णशूल एंड पंगु, खंजा, और वो सारे जो है ना, सारे अपतंत्रक, अपतानक वगैरह, विध्वंस वगैरह वगैरह सब कुछ आते हैं। अभी एक फिलहाल एक केस, एक दो केसेस में मैंने इसको यूज करने को लगाया था। आप इस इवन दो आप अर्धित में भी यूज कर सकते हो, अर्धित में भी पेशेंट को इसमें कष्ट होता है ना, हनुस्तंभ। ये मिलता है क्या, कौन से कंपनी का है? आर्यवैद्य का है, कोटाकल का है, आर्यवैद्य कोटाकल मिलता है, आराम से मिल जाए। यस यस बिल्कुल, एवीएन कंपनी का है, नागार्जुन का भी है। ओके, तो एक ट्राई करके देखे करके मैंने इसको लिया। यस, और किसी का कुछ है तो बताइए। अभी हम लोग थोड़ा केस डिस्कस भी करते हैं, दो दिन लाइक नहीं कर पाए ना। कल का कैसे रहा माधुरी, आप थी ना? हाँ मैम, मैं 45 मिनट्स से लगती, फिर बाद में एक पेशेंट आया तो मुझे ये कर, पर अच्छा था मैम। मैं वहां तक लग आई थी जब टॉर्चमिल के ड्रग्स बता रहे थे ना, फिर बाद में मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली, बहुत अच्छा था। यस मतलब बहुत अच्छा रिसर्च किया उन्होंने, वही तो इसीलिए सब मॉडर्न लोग भी यूज करते हैं, मतलब अच्छा ही है ना। नहीं और ये बहुत नहीं, वो तो खुद ना ये है, मतलब पहले बीएमएस और फिर बाद में उन्होंने एमबीबीएस करके पूरा ये किया है। अच्छा, हाँ, ये पता नहीं था वो एमबीबीएस बीएमएस हो गए एमबीबीएस के। हाँ यस, और पोदार के यस वही का है उनका, और इसलिए उनका मॉडर्न का नॉलेज भी बहुत अच्छा था, परफेक्ट बेस्ट था, बेस्ट बताया उन्होंने। हाँ, अच्छा लगा। तो फिर भी उन्होंने आयुर्वेद किया बाद में इतना एमबीबीएस करके भी, मुझे नहीं और काफी है, दूसरे भी प्रोडक्ट्स है उनकी मेरे पास है लिस्ट, सुजात वगैरह भी अच्छा है उनका, हम लोग वो कॉम्बिनेशन में ही देते, टॉर्शनिल और सुजात दोनों भी अच्छे हैं। तो टॉर्शनिल तो मुझे लगता है काफी यूज होता है, बहुत चलता है टॉर्शनिल का, तो सभी आप लोग यूज करते हो। यस, कोई केस है क्या रंजीत जी, बताइए मैम। एक डाला था मैडम ने, रचना जी ने डाला था आई थिंक, जैसे उन्होंने ये पूछा था ना कि कई बार ऐसे होता है कि हार्ट रेट जो होता है ना, हार्ट का विजिबल नहीं होता है, लास्ट में ही होता है, पहले कुछ डेज में ये नहीं करता है, सुनाई नहीं देता है, ऐसे एक्टिविटी डेवलप नहीं होती है, हार्ट बीट नहीं विजिबल होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट फेज में अगर कंसीव हो गया होगा तो वहां पे डेवलपमेंट थोड़ी लेट ही होगी ना, तो इसीलिए फिर लेट सुनने में आता है। डिपेंड्स अपॉन द कंसेप्शन पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि पहले 15 दिनों में ही कंसेप्शन होगा, लास्ट के डेज में भी रेयर चांसेस होते हैं, बट होते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी है। तो वहां पे इसके कारण से हार्ट की एक्टिविटी लेट डेवलप होती है, ऐसे मेरा तर्क है इसमें। और जैसे स्नेहन के बाद और पहला अगर हमने वमन दिया होगा तो पश्चात विरेचन कब करेंगे, तो वमन और विरेचन सारे पंचकर्मों में 15-15 दिन का गैप होना पड़ता है, और वहां पे कंपलसरी नहीं होता है कि आप फिर से दीपन पाचन करें, पेशेंट की कंडीशन देखे, आम अग्नि कैसा है वो देखे, और जरूरत पड़े तो आप करें दीपन पाचन, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कुष्ठ है और कई सारे व्याधियां होती है ना जिसमें सोराइसिस है, वहां पे हमें रिपीटेडली शोधन करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है, मुझे लगता है आम के स्थिति पर और पेशेंट की अवस्था पर डिपेंड करेगा ये। ये संपदा जी, डॉक्टर संपदा अनम्यूट करिए, कैसे हैं सर? कैसे? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलिए सर कैसे हैं? ठीक है। आगे कुछ अभी चल रहा है वो पंचभूतिक वाला? हाँ वही चल रहा है। अच्छा, कैसा है मैम रिजल्ट? सिस्टाइटिस अभी नहीं है, पूरी तरह से कम आया है। अच्छा। वॉइडिंग नहीं, लेकिन अभी अभी नहीं, इतना उसमें अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। नहीं। अच्छा, फिर मैम क्या करेंगे आगे, मतलब कैसे इसको ये करना है? 3 to 4 months बताया था सर ने, अभी 2 months हो गए हैं। पूरा आपको पूरा ही उसको लेंगी, पूरा उसी प्रकार से हम मिनिमम 3 months तो ले
लेना ही चाहिए। हाँ, लेना ही पड़ेगा। यस यस, उसके बिना आपको रिजल्ट भी नहीं पता चलेंगे। हाँ नहीं चलेगा। ओके, अभी क्या चल रहा है फिर? वो म्हणजे मिक्स करून चूर्ण दिले, नाव नाही मी विचारलेलं सरांना, अच्छा बोलता बोलता अभ्रक व एकरांत असं म्हणले होते, अच्छा आणि रक्तपाचक मेदोपाचक, पण डिटेल एवढं काही माहित नाही। बर ठीक आहे। पण आधीपेक्षा किती परसेंटेज मध्ये फरक आहे? व्हॉइडिंग म्हणजे बाहेर जे पडलं पाहिजे ना मॅडम, बाहेर पडत नाही। पहिला चारशे पाचशे एम एल सिस्टायटिस, पर्यंत, 400-500च्या नंतरच। हा नॉर्मल फुलनेस आता जाणवतो, पहिलं दुखायचं तेवढं गेलं, आता दुखत नाही, म्हणजे नेहमी नॉर्मल, म्हणजे व्यक्तीला जसं आल्याची संवेदना होती तेवढी चांगली संवेदना होती, तेवढी चांगली संवेदना होत नाही। होते म्हणजे पूर्वी दुखायचं पेन्स व्हायच्या तेवढंच आहे झालं तरी, आता जनरल फक्त जाणवत म्हणजे दुखत नाही, अच्छा, म्हणजे सिस्टायटिस कमी आला, अच्छा ओके। पूर्ण कमी आला। बघूया मॅम, वरुणाधी काढा चालू आहे क्या? हा व्हॉट वरुणाधी वरुणाधी काढा काढा? मॅडम, पहिले 3 महिने दिलं होतं, नंतर नाही, मग ते उष्ण ड्रग म्हणून परत नंतर ते डिस्कंटिन्यू करायला सांगितलं। कोणानंतर ते ग्रीतपान वगैरे चालू आहे? तुपा होय, ग्रीतपान? घृतपान पण वत्सामांतकच होतं, पण ते बंद केलं, आता फक्त कसं ड्रग इंटरॅक्शन होतं, परत मग सर पण नाराज होणार, पण सर म्हणले होते तुमचं ऍलोपॅथीचं फक्त घ्या आणि हे चालू असं सांगितलं होतं, ऍलोपॅथीचं म्हणजे शुगर बीपीचं। ओके, कुठले सर म्हणाले ते जे पंचभौतिकचे काय? हा पांचभौतिक। अच्छा, ते म्हणले सगळ्या जे जे गोष्टींचा आघात झाले त्या सगळ्या दूर, म्हणजे हे झाल्या पाहिजे, जरी नॉर्मली सगळं हे झालं असेल म्हणजे दाखवत असेल तरी सुद्धा, यकृत, लिहा, वृक्क, मूत्रपिंड, हे मूत्राशय, मूत्राशयाची हेल्थ सगळं हे झालं व्यवस्थित होणार, म्हणजे बाकीचं आहे आता चांगलं, पण म्हणले मूत्राशयाला हे म्हणजे इंद्रिय दौर्बल्य, बघूया आता। अच्छा, सारखं बदलायला पण नको वाटत। हाँ नहीं मैडम, एक कंटिन्यू 3 महीने 6 महीने घेतल्याशिवाय ना कॉन्फिडेंस पण काय येत नाही और होय रिजल्ट भी नहीं समझेंगे ना उसके। होय, 4 4 महिने सांगितले सरांनी, 4 महिने घेणार तुमचं, ओके आता 3रा महिना। ओके, तुम्हाला काय आणि नवीन इन्फॉर्मेशन मिळाली तर सांगा मॅडम। नाही मी तेच म्हणजे मला तेच म्हणून मी तुम्हाला त्यांचा नंबर शेअर केला होता प्रीती जोशी होय सरांचा। होय, आपण म्हणलं हे चालू असताना आणि हा परत ते म्हणून, म्हणूनच थोडस हा तुम्ही म्हटलात ना मध्यंतरी आपण बोललो म्हणूनच हा मी परत पुढे हे नाही केलं की असं नको व्हायला ना, म्हणजे डिसकंटिन्यू कंटिन्यू हा सारखं हा होत। हो व्हायला, येस बिलकुल, कारण पंचकर्म बसते काय त्यांना सहन होत नाही, आता म्हणजे त्रास होतो, हा थोडस हे पण होतं ना मॅडम, इरिटेशन पण होतं। इरिटेशन होत आणि त्रास झाला मध्ये, त्याच्यामुळे आहे ते आपलं ठीक आहे आता सध्या। कॅटरॅक्ट ऑपरेशन झालं त्यामुळे मागच्या आठवड्यात कॅटरॅक्ट डिस्कंटिन्यू झालं केलं। का? बर बर हो बर, राईट लवकर राईट, झालं का? किती एज आहे? 53-54? हा 53 आहे, ते मधल्या प्रकारामुळे जरा आहेच की एक बरेच, अच्छा त्याच्यामुळे थोडस लवकर। लवकर अच्छा बर, अजून काही और कुछ केस है क्या? बताइए। केस ते काल मी काल ऐकू शकले नाही, माझ्याकडे रिकरंट मिस्ड कॅरेजचे पेशंट आहेत, म्हणजे 50-50% यायचं कव्हर होतं होऊ ना मॅडम, शकते। चांगलं झालं असतं। नाही मी ऐकणार आहे, परत ऐकणार आहे, काल फॉलोअप होता अच्छा डॉक्टरांचा त्यामुळे तिकडे जायला लागलं अच्छा बर बर ठीक आहे। कॅटरॅक्टचा हाँ सर्जरी झाली, ओके, ते मिळेल ना ऐकायला मॅडम? हो, मी लिंक शेअर केली ना हां चालेल, ऐकेल नाही, त्याच्यावरती तुम्ही बघू शकता। हो चालेल। यस रणबीर जी बताइए क्या है मैम, बहुत दिनों के बाद।
हेमलता जी, आगे बढ़े फिर आगे दूसरे तेल के बारे में डिस्कस करें। यस मैम, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग तेल के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, जो कि वही रेफरेंस है, सिद्ध योग संग्रह का रेफरेंस है। वैसे इसको आप सभी जानते हैं, स्किन डिसीजेस में बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। चाल मोगरा तेल और तुवरक तेल, इसको नाम दिया गया है तुवरक ऑयल या चाल मोगरा। ये एक्चुअली तुवरक जो है, खास करके ना जहाँ पे क्षय जनित संप्राप्ति है वहां पे इस वनस्पति का, चाल मोगरा का बहुत ही अच्छा रोल मिलता है। तो चाल मोगरा या तुवरक लाइक ये खास करके कुष्ठ रोगों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कुष्ठ यानी स्किन डिसीजेस, जैसे वहां पर खुजली है या जो भी सारे लक्षण होते हैं ना, इरिटेशन होगा या डिस्कलरेशन होगा, व्रण बनेगा, वहां पर इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके सारे जो भी पार्ट्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है और इसको ही, इसको लेकर ही ये तेल बना है तुवरक तेल, जो एक्चुअली तुवरक का ऊर्ध्व चतुर्गत रोग एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय जन्य संप्राप्ति या जहाँ पे कुछ इसका मैंने आपको एक बार पढ़ाया था ना, तुवरक का काढ़ा हम एक दुर्गंध के लिए, वजाइनल जो टिपिकल स्मेल आता है उसके लिए भी हम लोग धावन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, बट इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जैसे इसको मराठी में कड़ुआ वीट कहते हैं और खास करके वर्षा ऋतु के आरंभ में ये फल पककर तैयार हो जाता है। और इसका प्रयोग, आप जैसे तेल आपने इसका बना लिया, तो इस तेल का प्रयोग हम कई जगह पर कर सकते हैं। अनेक प्रकार के त्वचा विकारों में इसका प्रयोग करेंगे। इसका आप तेल कैसे बनाएंगे, तो इसको तेल बनाने के लिए आपको, हम लोग जैसे तेल को पकाते इसी प्रकार से इसको पकाना है और जल मिलाकर इसके काढ़े को, पहले काढ़ा बना लेंगे मगज का और फिर पानी डालेंगे। पानी जब तक अच्छे से उबाल लेंगे, पानी को जब तक पानी अच्छे से ये नहीं हो जाता, पानी उड़ नहीं जाता और तेल के सिद्ध लक्षण नहीं मिलते, तब तक इसको पकाना है। फिर उसके बाद छाड़ लेंगे और इसी तेल को आगे खदीर की छाल के तिगुने काढ़े में पुनः पकाए, मतलब खदीर का काढ़ा बनाकर इसमें इस तेल को पुनः पकाना है। और फिर काढ़ा यानी पानी का अंश जब खत्म हो जाएगा एंड केवल तेल बच जाएगा, वहां पर इसको हम लोग छान कर निकाल देंगे और ये बन जाएगा आपका तुवरक तेल या चाल मोगरा तेल, जो कि सिद्ध योग संग्रह का एक कल्प है। इसको कैसे यूज करना है, आप इसको लाइक उसकी बहुत ही मात्रा कम है, दो से चार बूंदों से स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, और फिर इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हम बढ़ा लेते हैं। इसको आप गाय के ताजे मक्खन या दूध या मलाई भी मिलाकर दे सकते हैं और जितना पेशेंट को सहन होता है उसी मात्रा में उसको देना है। कभी कभी पेशेंट को वोमिटिंग या इरिटेशन भी हो सकता है, तो वहां पर उस अवस्था में हम तेल की मात्रा को घटा देंगे। इसका उपयोग आप मालिश यानी स्नेहन के लिए भी कर सकते हैं। सभी प्रकार के कुष्ठ जहाँ पर खुजली है, कंडू जनित स्थितियां हैं, वहां पर इस प्रकार के तेल का प्रयोग बहुत ही अच्छे से होता है। तो ये मुझे लगता है इस तेल का, तुवरक तेल का प्रयोग खास करके हमें कुष्ठ में ही करना है। पहले कम मात्रा में करेंगे और फिर एक्चुअली आचार्य क्या कहते हैं कि चाल मोगरा का तेल पीने से अगर उल्टी होती है तो उल्टी होना कोई ये नहीं, समस्या नहीं, उल्टी से उल्टा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से शोधन हो जाएगा। तो इसीलिए फिर उसकी टेस्ट बहुत ही कड़वी है, तिक्त है, बहुत ही कड़वा है, तो इसीलिए इसको हम लोग दूध या मक्खन के साथ देते हैं ना, तो पेशेंट थोड़ा ले सकता है। फिर धीरे धीरे जैसे पेशेंट खा सके उसकी मात्रा 60 बूंदों तक ले जा सकती है। या फिर कभी आपको लगा कि पेशेंट इंटरनली नहीं ले पा रहा है, वहां पर लोकल एप्लीकेशन के लिए नीम तेल को साथ में मिलाकर इसका लेप आप लगा सकते हो एंड ये बहुत ही एक अच्छा असरदार तेल है। तुवरक का तेल है महाकुष्ठ और सारे जो चर्म रोग है, दांत खाज खुजली वाले, वो सारे एक आध महीने में कम हो जाते हैं। कभी आपको लगता है कि इसके साथ लाइक बर्निंग हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप वैसलीन, जो सिंपल वाला वैसलीन आता है ना, कोई भी, इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑयल कंटेंट, ऑयल बेस लेना है, कोई स्नेह घी हो, वैसलीन हो, मक्खन हो, दूध हो, इसमें मिलाकर आप पेशेंट के उपरोक्त स्थान पर जहाँ पे भी खुजली है, कंडू है, दांत खाज है या कोई स्किन डिसीज हो, वहां पर इसको लगा सकते हो।
कभी जरूरत पड़े तो आप इसमें एरंड तेल भी मिलाकर लगा सकते हो, आप इसमें नीम तेल, आप इसमें नींबू का रस, और कुछ केसेस में मैंने देखा कि इसको ना गंधक एंड कपूर एंड नींबू का रस मिलाकर भी उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि सारे ये जो द्रव है, लाइक गंधक भी त्वचा रोगों के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है, कपूर भी त्वचा रोगों में अच्छा काम करता है जहां पे दुर्गंध है वैसे कंडीशन में, फिर नींबू का रस भी आप इसमें डालेंगे, नींबू भी स्किन के लिए अच्छा काम करता है, जो क्लेद अतिरिक्त अंश है उसको शोषित करेगा, और इसीलिए इसमें ये सारा कुछ मिलाकर एक अच्छा लेप बनाकर भी आप लगवा सकते हो तो खुजली की बीमारी ठीक हो जाती है, बहुत अच्छा लेप इसका लाभ मिलेगा। अगर तेल नहीं अवेलेबल हुआ, चाल मोगरा का जो बीज होता है ना, उस बीज को भी आप गोमूत्र में अच्छा पीस कर उसको लगाने से भी लेप खुजली में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है तुअर तेल ये खुजली जनित जो त्वचा विकार है वहां पर अच्छा काम करेगा। इसका एक तो मैंने पिछले कुछ इसमें ये भी देखा था कि रसायन के रूप में भी यूज करते हैं चाल मोगरा। इसका सारे पार्ट्स यूज कर सकते हैं, यानी पत्तों का प्रयोग करेंगे बाह्य प्रयोग के हेतु, काढ़ा बनाकर जड़ की छाल का काढ़ा, जैसे हमारे सारे स्त्री रोगों के संहिताओं के रेफरेंस में भी ये आया है चाल मोगरे की जल जड़ की छाल का काढ़ा जो धावन के लिए यूज किया जाता। आपको चूर्ण देना है तो 1-3 मात्रा में दीजिए, तेल देना है तो 4-5 बूंद से स्टार्ट करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो आपके अनुभव और पेशेंट के लक्षण के हिसाब से इसको आप मात्रा में बदलाव कर सकते हैं। खास करके ये दक्षिण भारत में मिलता है तुअरक, इसको ज्यादा से ज्यादा सभी का मानना है कि इसको तेल या ऑयल बेस माध्यम से उपयोग में लाए, यानी आप इसको मक्खन या घी में मिलाकर अगर देते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा, यानी नुकसान नहीं होगा, पेशेंट को कुछ तकलीफ नहीं होगी। और इसका उपयोग तो ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे इसमें भी होता है। यस मैम बताइए, एलर्जी कोई भी उसमें भी आप लगा सकते हो, त्वचा की कोई एलर्जी किसी प्रोडक्ट के यूज के बाद अगर आपको कोई रैश डेवलप हुआ है या खुजली हो रही वहां पर, तो वहां पे आप उसको यूज कर सकते हो। यस मैम बताइए, ददरू में यूज कर सकते हैं रिंगवर्म में? कहाँ पे? ददरू रिंगवर्म में? यस यस बिल्कुल बिल्कुल मैम, ददरू में जरूर यूज करें, ददरू में जरूर यूज करिएगा। मैम मैंने सिर्फ एक बार एक पेशेंट को किया था, किया था ना, मुझे लगता है माधुरी हमने इसको डिस्कस किया था, गायनिक में भी चाल मोगरा का हमने डिस्कस किया था। और मैम ये मैंने एक वेरिकोस वेन्स का पेशेंट था, टेलर था पेशेंट, उसके फीट मतलब तलवे पे, फीट के तलवे पे बहुत बहुत ऐसे कटिंग एजेस रहते हैं ना, ऐसे चीरा पड़ गए थे बहुत बड़े बड़े, और अंदर तक वो घाव थे। मैंने ये बैद्यनाथ का चाल मोगरा ऑयल को उसने ही खरीद लिया था, मैंने ही बताया था, लिख के दिया कि ये लाओ, उसने वो लगाया था, पूरा भर गया था, ऐसे लगा था कि कभी हुआ ही नहीं है उधर ऐसा मतलब ना, और जल्दी से घाव भी भरकर आए थे, घाव भी भरकर आए थे अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ था उसका, उसको भी वो सरप्राइज हो गया था, पर अच्छा हुआ था, तेल महंगा था, वो बोला कितना इतना सा 245। मैम देख वैसे मुझे थोड़ा सा ये लगता है ना, सारे जो भी ऑयल्स है, इवन दो कुमकुम तेल देखिए एंड मुरी वेन्ना, सारे तेल थोड़े से महंगे ही है वैसे, थोड़े से महंगे है, तो ये ना वर्म इन्फेक्शन में भी लगा दीजिएगा, जैसे आपने ये बताया था रिंग वर्म में, या जैसे डर्मेटाइटिस या एक्जिमा सोरेस, रिंग वर्म में मुझे लगा था कि ऑयल से ये खुजली पड़ेगी कि क्या है, मैं तो रिंग वर्म में मैम क्या होता है इधर के पेशेंट जो आते हैं आते हैं पर है ना उनको इतना इचिंग ना सहन है, तो मुझे एक एटरैक्स देना ही पड़ता है, कोई भी कंडू ना मतलब इसका आयुर्वेद का देते वक्त ना उनका जल्दी खुजली कमी नहीं होता है, मतलब लिटरली वो ना रात भर हैरान रहते हैं ना मैम, रहते मैम रात में, और क्या होता है ना रात में थोड़ा सा आदमी रिलैक्स रहता है ना, तो खुजली का जो भी पेशेंट है वो ज्यादा इरिटेटेड और उसको ज्यादा मतलब ये होती है परेशानी ज्यादा होती है रात के समय में, शीतकाल में कफ काल में थोड़ा बिल्कुल। ददरू तो एकदम मैंने देखा ट्रीट करने के लिए इतना डिफिकल्ट रहता है, टाइम लेता है, पेशेंट पेशेंस ही नहीं रखता है मैम, देते
बट वो एट्रेक्स की आदत लग गई ना तो वो भी डेंजर होता है ना, ज्यादा भी नहीं यूज करना। मैं ऐसे सब बोलती हूँ हफ्ते भर, फिर आधी आधी करती हूँ, फिर है ना उसके साथ वो साइड बाय ये करती हूँ ना, जैसे आयुर्वेदिक का असर होने लगा तो फिर खुजली कम होने लगती है ना, फिर लेप अगर कुछ तो फिर वो बंद करती हूँ ऐसे। पर पहले तो ना उसको शांत होने के लिए देना पड़ता है, नहीं तो मेंटली ही विल नॉट बी, मतलब बोले ना स्टेबल नहीं रहता है फिर अगर अच्छा पूरा, मतलब मैम लेडीज का ब्रेस्ट रीजन भरा है, पूरा वजाइना का साइड भरा, तो वो कितने हालत में खराब है ना, कि वो उसको चाहिए ना एक तो खुजली की दवाई उसको शांत होने के लिए, तो एकदम बिल्कुल। पेशेंट इज इन रियली पेन। और क्या होता है ना, पेशेंट अस्वस्थ हो जाता है और वहां पे उसको नहीं नींद भी नहीं आती, नहीं बहुत ही नींद भी चली जाती है उसकी बिल्कुल। और इसको ना आप जैसे पित्त और वात दोनों को ही संतुलित करेगा, जैसे आपने बताया तो दाह एंड वातजनित जो भी होगा वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। फिर गर्म पानी भोजन से पहले ले, इसमें एक्चुअली सभी जो जड़ी बूटियां सारे जो भी होते हैं ना, कोई भी तेल बनाते हैं तो खास करके तिल के तेल के माध्यम से ही सिद्ध किया जाता है, तो तेल थोड़ी मात्रा में भी यूज करते तो परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए मुझे लगता है तेल थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि देखिए ना आप कितना ही समय तक इसको पकाना पड़ता है, तो कितनी मात्रा में गैस और हाँ, सारा बनाना कुछ रहता लगता है है। उसको हाँ, बनाने और के लिए, रिजल्ट मैम अच्छा है था, पर आजकल रिजल्ट क्या अच्छा था? रहता है। और इसमें खदीर भी है ना मैम, तुवरक तेल में खदीर और बबूल, इसका काढ़ा भी है, कत्था बबूल खदीर, यानी देखिए खदीर भी त्वचा रोगों के लिए, खदीर आदि वटी बहुत अच्छा काम करती, खदीर भी तिक्त कषाय गुण का है ना, तो वो भी कंडुग्न भी है और बबूल भी वही काम करता है। इसका मैम सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान में रेफरेंस आया है। यस मैम, मैम ये ना रसायन अध्याय में भी है, तूरक रसायन करके भी यस है। बस थोड़ा सा कभी कभी दुष्परिणाम हो सकता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा संभल कर लगाएंगे, जैसे कोई इरिटेशन कोई आपको लगा तो वहां पे कम कर देंगे, नहीं लगा देंगे ऐसे। आप इसको कहीं पर भी लगवा सकते हैं, पैरों की खुजली है, एड़ियों का फटना है, डाबर का, कई सारे कंपनियों का आता है, फंगल इन्फेक्शन में भी काम करेगा ये, डाबर का आता है, बैद्यनाथ का आता है, कई सारे कंपनियां इसको बनाती है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है फंगल इन्फेक्शन में, और बारिश के दिनों में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी बेस्ट काम करेगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में लोकल काम करने वाले फिर हम लोग गंधक रसायन वो सारा देंगे, बट जो भी फुंसी सूजन धब्बे ऐसे कुछ जो होते हैं ना संक्रमण, टायरेसिस रोजिया ऐसे कुछ, उसमें ये काम करेगा, क्योंकि पेशेंट को फिर थोड़ा बुखार आता है, कभी थकान आती है, और खुजना, खुजली का ये सबसे बड़ा तेल अच्छा माना है, सूजन भी। इसको आपने मुहासे में यूज किया है क्या, किसी ने मुहासों के लिए? उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब जैसे जो मुहासे में कंडू रहता है, कुछ ऐसे फुंसिया जैसे बन जाती है, चपते जैसे बन जाते हैं, सूजन आती है, कभी कभी बड़ा हो जाता है वहां आपका जो ये होता है ना फोड़ा होता है फुंसी, वो बड़ी हो जाती है और पुरानी हो जाती है वहां पे, फिर बड़ी परेशानी होती है, तो उसमें आप ये लगा सकते हो विभिन्न प्रकार से। तो मुझे लगता है इस प्रकार से सारे टाइप के ये रिंग वर्म, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस, इन सभी में तुवरक तेल का आंतरिक प्रयोग और बाहरी प्रयोग, आंतरिक प्रयोग करेंगे तो आप इसको ऑयल के साथ दीजिएगा, यानी मक्खन घृत दूध इसके साथ दीजिएगा, आपको एक्सटर्नल अप्लाई करना है तो इसमें भी आप अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करके कॉम्बाइन करके कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हो, नीम तेल के साथ इसको लगा देते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, बिकॉज दोनों का काम एक ही है,
तंडू का शमन करना या जो भी विवर्णता है उसको कम करना, तो दोनों प्रकार से इस तेल का प्रयोग कर सकते हो। बस आंतरिक में प्रयोग करते समय धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाए, एकदम तुरंत ना मात्रा बढ़ाए, तो इस प्रकार से ये त्वचा में अवशोषित होकर अच्छे से काम करता है। और इसका जैसे मैंने सारे अंगों का प्रयोग यानी सभी फूलों का पत्तों का इसका भी मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ये काम करता है। तो मुझे लगता है ये दो तेल हमने आज हिमसागर एंड तुवरक तेल दोनों को लेकर एक अलग से थोड़ा सा ये करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमारी जो प्राचीन रेफरेंसेस है सारे तेलों के या जो संकल्पनाएं हैं उसको थोड़ा सा उद्धृत भी किया जाए सारे प्रोप्राइटरी मेडिसिन के साथ ना चलते हुए, जो भी शास्त्रोक्त कल्प है उसको भी देखा जाए, ये भी एक प्रयास है इसके पीछे। तो आगे बढ़ते हैं आगे। बस मुझे लगता है संपदा जी जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेकर मुझे थोड़ा सा चर्चा करनी है, वो एक डिफरेंट विषय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग। तो इसमें पहले क्रम में मुझे लगता है कोट्याकल के अस्वारिष्ट और तेलों को काफी पसंद किया जाता है, काफी पसंद किया जाता है। तो उनकी लिस्ट या उनमें हम थोड़ा रिव्यू टाइप में डिस्कस करेंगे कि किस किस के क्या क्या इसमें उपयोग होते भी है और आपका उसमें क्या अनुभव है ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में आता है कुंकुमादि तेल। आई थिंक कुंकुमादि तेलम एक बहुत ही अच्छा, मैंने इसको खास पढ़ाया है यूट्यूब पर है ये खास, एक पूरा एक घंटे का कुंकुमादि तेल का सेशन मैंने स्टार्टिंग में किया था जिसमें सारे उसके परिणाम बताए थे मैंने, तो कुंकुमादि तेल। बट आज हम लोग प्रोडक्ट के लिस्ट में इसको पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कुंकुमादि तेलम ये खास करके जहां पर झाइया है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है स्किन का, खास करके मेनोपॉजल एज में, जिस भी कारण से वांग जिसको बोलते हैं, झाइया जिसको बोलते हैं, झाइयों के लिए एवं त्वचा की रुक्षता को कम करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए कुंकुमादि तेलम बेस्ट है। 2-4 बूंद की मात्रा में ही इसको यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से कुंकुमादि तेलम एक प्रोडक्ट है जो त्वचा विकारों में लाभदायी होता है कोट्याकल कंपनी का। आप बताइए मैम इसमें आपने यूज कैसे किया है और आपका कुछ रिजल्ट पता है क्या संपदा जी? कुंकुमादि तेलम के बारे में आई थिंक सभी इसका बहुत उपयोग करते हैं झाइयों में वगैरह। शायद आपका माइक ठीक है। नेक्स्ट है इसी क्रम में नील भृंगरादि तेलम। नील भृंगरादि तेलम ये खास करके आई थिंक बालों के लिए ही बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा। एंड जैसे बालों की जो भी समस्याएं है, खुजली है, इसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है लोकल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। आज जैसे ब्यूटी के जो दो मायने होते हैं केश एंड त्वचा, स्किन एंड हेयर, बोथ आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स और बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर ब्यूटी। तो ब्यूटी के लिए बालों का अच्छा होना, हेल्दी होना बहुत ही जरूरी है। बट आज के लाइफ स्टाइल के चलते खान पान, गलत आदतें, पानी बहुत ही ज्यादा क्षारयुक्त है, अलग अलग शैम्पू का उपयोग करना, इसके कारण से स्ट्रेस फैक्टर है इन, और निकृष्ट दर्जा का खान पान है, इन सभी के चलते हमारे सोसाइटी में, देश में खालित्य पालित्य की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसमें एक नेचुरल और जो तेल है जो कि बालों को नरिश करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा, और छोटी छोटी जो समस्या होती है खुजलाना और बालों में फुंसी आ जाना, फोड़े आ जाना, डैंड्रफ होना, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये नीली भृंगरादि जो तेल है जो तिल तेल के बेस में ही बनाया गया है और इसका प्रयोग बहुत ही सुंदर माना गया है। तो एक हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने वाला तेल है। मुझे लगता है हम लोग इसको काफी मात्रा में यूज करते हैं, पसंद भी करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट सच में अच्छे मिलते हैं। नीली भृंगरादि तेल जो है इसको आप थोड़ा सा गुनगुना कर दीजिएगा और गुनगुना करके जैसे कॉटन से कटोरी में लेकर अगर आप हल्के हल्के से अप्लाई करते हो ना और फिर कम से कम 1-2 घंटे तक इसको रख देते हो तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसका प्रयोग होता है और इसका उपयोग मिल जाता है। एक मैंने इसका स्प्लिटेड एंड्स जो होते हैं ना हेयर के, यानी दुभंग होता है बालों में, स्फुटित हो जाते हैं केश और फिर उसके कारण बढ़ते नहीं है,
तो वहां पे ज्यादातर ब्यूटी पार्लर्स में या इधर उधर से सारा सुझाव आता है कि बालों को कट करिएगा, बाल अच्छे ग्रोथ हो जाए, वो तो ठीक है, आपको स्प्लिट्स निकाल देने चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको ये आगे ग्रोथ अच्छी हो, इसके लिए जो नरिशिंग है, खान पान से कुछ मिलता नहीं है ज्यादा, तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन तेल का तो करना ही है, तो ऐसे में आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जो आपके बालों को अच्छे से नरिश करेगा, स्प्लिट एंड्स को भी कम करेगा, हेयर लॉस भी कम होगा इसके साथ, एंड ये इस प्रकार से आपको इसमें आप कंबाइन करके भी लगा सकते हो, आप इसको तिल तेल या फिर सिंपल घर में जो आलमंड ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, इसके साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज करिएगा, वो भी और अच्छा रिजल्ट देगा, इसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप इसको जैसे भी दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे कैसे भी लगा सकते हो, एक घंटे तक कम से कम इसको रखना होगा, जो बहुत ही रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके, एक घंटे रखेंगे तो तेल योग प्रकरण में, सहस्त्र योग में इसका ये बताया रेफरेंस आता है, और जिसमें नीली भृंगराज एंड सारे जो नारिकेल तेल है, सारे कुछ इसमें जो द्रव्य लिए गए हैं, वो केशों का केशान संजयत अत्तले अपि करयो रास्तम अकेशम शिरहा, यानी बालों को संजायन करना, यानी फिर से एक बार रिजेनेट करने का काम ये तेल करता है, और इसीलिए कोट्याकल केरला, कोट्याकल ही नहीं बट केरला नागार्जुन आदि कंपनियां भी इसको बनाती है, एंड एक महीने में आपको आपका हेयर फॉल कम होते नजर आएगा, आपके बाल 3 महीने में, 1 महीने में तो मैं दावा नहीं करूंगी बट मैंने देखा 3 महीने में ये हेयर ग्रोथ करवाता है, रीग्रोथ करवाता है, और इसके साथ फिर आप कैप्सूल टिचअप दे सकते हो, रसायन के तौर पर नरसिंह रसायन, भृंगराजासो दीजिएगा, हम लोग भृंगराज का तेल ज्यादा यूज करते हैं बट भृंगराजासो अगर इंटरनली देंगे और लोकल एप्लीकेशन तेलों का करें थे तो खालित्य पालित्य काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो कभी भी जैसे बालों की समस्या दिन ब दिन बढ़ती है, काफी सारे लोगों को समस्या होती है, तो इंटरनल मेडिसिन में अस्थि मज्जा पाचक, अस्थि पोषक वटी, आप त्रिफला गुगुल ले सकते हो, कोई भी रसायन, आप आमला का कैप्सूल ले लो, आप च्यवनप्राश खाओ, कोई भी चलेगा, बट केवल तेल लगाने से ऊपर से भी नहीं होगा और केवल मेडिसिन से भी नहीं होगा, तो आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इंटरनल मेडिकेशन दोनों अगर आप करते हो तो इस ज्यादा रिजल्ट आपसे मिलेंगे। केश ये अस्थि का उपधातु है, इसे सॉरी मज्जा का उपधातु आचार्य क्षारंगर ने बताया है केशों के बारे में, बाकी चरक सुश्रुत में इसका वर्णन नहीं आता है बट आचार्य क्षारंगर केश को उपधातु के रूप में मानते हैं, और उपधातु यानी जैसे धातु के से ही उपधातुओं का निर्माण होता है, तो इसे आपको धातु पोषण पर काम करना होगा, एंड धातु पोषण अच्छा होगा तो फिर आगे चलकर उपधातु भी अच्छे मिलेंगे, इसके लिए आपको सिंपल इस तेल में त्रिफला या जैसे रीठा होगा आपके घर में, या आजकल काला चाय बनाकर या हीना मेहंदी डालकर भी आप इसका हेयर पैक बनवा सकते हो, और फिर आप हेयर पैक बनवाकर बालों में लगा दीजिएगा, और सिंपल है ये तरीका, बहुत सिंपल है, इसमें आपने तेल ले लिया, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम की मात्रा में तेल लिया, और आप इसमें त्रिफला चूर्ण डाले 1 चम्मच, फिर हीना डाले, चाय का पानी डाले, रीठा डाले, और इसको आप एक शैम्पू कंडीशनर के रूप में यूज कर सकते हो, इसके आपको पैक बनाना है तो पैक भी बना सकते हो, इसमें मंडूर भस्म डालिएगा वो भी अच्छा रहेगा, मतलब एनी हाउ आप इस प्रकार से इस तेल को प्रयोग में ला सकते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, और इसी के साथ मुझे लगता है आज के सत्र में हम लोग रुकते हैं, फिर कल हम इसी को आगे बढ़ाते हुए कोट्याकल के प्रोडक्ट्स कौन से कैसे है उसको हम लोग पढ़ रहे थे, और साथ में थोड़ा जैसे अभी बात निकली है हेयर केयर को लेकर, तो हेयर केयर में आयुर्वेदा का बड़ा योगदान है, मुझे लगता है सारी कंपनियां सारा भारत या इंटरनेशनल लेवल पर भी हेयर मार्केट बहुत ही बड़ा है, और काफी ज्यादा मार्केट ये आयुर्वेदा से जुड़ा है, आप देखते होंगे आजकल सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हर्बल एंड आयुर्वेदा ऐसे करके आता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, इसीलिए लोगों ने इसको मान लिया, तक खुलकर कोई बोलते नहीं है फिर भी, तो चलिए नमस्ते अवंतिका जी, कैसी है आप, आइए सत्र में आइए, कैसी आपकी बेटी डॉक्टर संजाई जी, डॉक्टर कैला जी, डॉक्टर अनिल कुमार यादव, डॉक्टर नियति रायकर, रायवार मैडम, संपदा जी, सभी को नमस्कार बहुत बहुत, एंड आई होप आज का सत्र आपके लिए काफी
लाभदायी रहा होगा, और ऐसे ही अलग अलग विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी समय पर और एक नए विषय के साथ। नमस्कार।